कर्णु बलि महाराज, हमें गंगा जी के तट पे चलना है। दोनों अस्थियां लेकर के रवाना हुए। इधर राजा राय सिंह की नगरी में दो डाकू आ गए, जालम सिंह और विजय सिंह नाम के। उनको ये पता था कि राजा राय सिंह के दो बेटियां हैं और हम दोनों एक एक से शादी कर लेंगे। बाग में छुप करके बैठ गए और जैसे ही वो बेला बाग में आई, दोनों डाकू उस लड़की को उठा करके रवाना हो जाए। उस बेला को मारते हैं, पीटते हैं, उसके साथ में दुष्कर्म करते हैं और पूछा कि तेरी बहन बीना कहाँ है। उसने बता दिया कि मेरे पिता ने मेरी बहन से इस प्रकार की बातें कही और निर्धन लक्कड़हारे के साथ में और मेरी बहन की शादी कर दी। कहां रहता है वो लक्कड़हारा? बोली बियाबान जंगल में। सजनों, वो दोनों डाकू वहां भी आए लेकिन वहां वो लक्कड़हारा और बीना नहीं मिले। वहां किसी से पूछा तो पता लगा कि वो दोनों तो गंगा जी के तट पे चले गए। सजनों, इधर गंगा जी के तट पर बीना और वो लड़का दोनों पहुंचे। बीना ने बोली महाराज स्नान करो और फिर ध्यान धरो और फिर दान धर्म पुनदान करो। सजनों, गर्म जल में नहाना के शरीर ने आदत सी होगी और गंगा जी का निर्मल ठंडा ठंडा जल, और जैसे ही जल में गया ना, शरीर में कपकपी सी होगी और एकदम से जब गिरने लगा तो बीना झट दौड़ करके जल में आई और अपने पति को पकड़ लिया। बीना नु बोली महाराज आज इससे बड़ा धर्म क्या होगा, एक काम करो आप इस जल में बैठो, मैं आपको मेरे हाथों से आज नहलाती हूं। सजनों, आज बीना जब पीठ पे हाथ लगाती है तो एक ग्रस्त जीवन का आभास उस लड़के को, उस लक्कड़हारे को होता है। नुबला बिना तेरे साथ में साथी करके मेरी आनंद होगी काया, मेरे कौन जन्म के संस्कार मारा तो हर ने मेल मिलाया। और सजनों, जैसे ही अब हाथ पकड़ लिया बीना ने, हाथ पकड़ लिया बीना ने, अब न्यारा चारा गिर गया और जब रगड़ा लगा उस डोरे के वो खुल के जल में, और जब जल में गिरा ना, बीना ने नीचे होकर के उठा लिया और नू बोली हे पतिदेव इसमें क्या लिखा है, आंख में आंसू आ गए। पंडित लक्ष्मीचंद जी की एक रागनी है, हिर बिना मुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूं, आज तेरे साथ में शादी करके मैं आनंद में हूं, हो सकता है मैं नीच जाति का हूं और तू देख तू राजा की लड़की है, इस परवाने को पढ़ करके अगर तूने मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं तो इस गंगा जी में ही खत्म हो, पता नहीं मैं किस जात का हूं, क्या मेरे बाप का नाम है, ये मेरी मां ने ये डोरा मेरी भुजा पर बांधा था। बोले पति देव आप घबराओ मत, मैंने आपके साथ में शादी करी है, मैं हमेशा आप ही की रहूंगी। तुमने मेरा लक्कड़हारा हिर बिना डके डकाए ढोल डके से तो डके रहन देना, आज क्यों मेरी जात बिगाड़े से, आज मेरी जात बिगाड़े से बिना डके डकाए ढोल डके से डके रहन देना।
किसी और खता का ए बिना इसी निकाले पोल कदे इसी निकाले पोल आज मेरा नेक बिगाड़े से क्यों मेरा छुटा जा पढ़ के चिट्ठी खेल खिला जा बिना तू मेरे ते हाथ छुटा जा पढ़ के चिट्ठी खेल जा हे बिना क्यों करने लगी मखोल हे बिना क्यों करने लगी मखोल कुछ तो अखरा मंदा तोल आज क्यों मने उजाड़े से बिना ढके ढकाए सब बात सजन मेरी बात का ध्यान लगाओ कौन जात कुण नगर तुम्हारा मत दिल में घबराओ पहले जो करने आए तुम वो ही कर्म कमाओ हो गया स्नान तुम्हारा अब बाजारों में जाओ दान हवन की चीजें मेरे पास में लेकर आओ हम याचकों ने बांटेंगे फिर परम पति ने सुन के बात बिना की सुन के बात बिना की चल्या लकड़ हारा ना जाने ना पहचाने रह गया बेचारा पढ़ा लिखा नहीं लोगो था विपदा का मारा पर डूबते न तिनके का हुआ करे सारा कर्म गति चूके कोन्या वो गिरधर खेल खिलागे लेवण ने वो लेवण खातर आज चीज लेवण खातर चीज आज कुछ दाम हाथ में आगे लेके बेला वो ही डाकू अपने मन में मुस्कागे और चलते चलते वो ही डाकू बाजारों में आगे बात का सार हम जान गए पहचान गए मौके के अनुसार तू शान सकल का भोला लागे पर दिखे से गद्दार हम शादी करना चाहवे थे पर तने बिगाड़ी यार हम जान गए से बिना तेरी नार कदम बढ़ावन लागे रो रो अब रोवन लगा लकड़ हरा घना सतावन लागे ओले सोले थाप थपेड़े इसे लगावन लागे जहां पे बेला बंद पड़ी फे वहां ले जावन लागे उसी जगह आकर के
और उसको भी बंद कर दिया। बेला जान गई कि ये तो मेरा जीजा है। नु बोले जीजा जी राम राम। नु बोले तेरी बहन के मरवाया आज तो भाई। नु बोले रे कैसी जगह लेके छोड़ दिया। दोनों डाकू। नु बोले रे बता कहा है वो बीना। समझ गया लक्कड़हारा कि अगर मैं बीना का पता बता दूंगा तो ये बीना को सताएंगे। श्याम होन लगी पर आया ना भरतार। पति नहीं आया। सजनों श्याम हो गई। दोनों डाकू मन में विचार करने लगे कि बीना भी है तो कहीं इसी मेले में है, हमें ढूंढना चाहिए। दोनों डाकू एक और अपने दो साथी पहरेदारों को लेकर के उनके पास में छोड़ गए कि कहीं ये फरार ना हो जाए। और अब मन ही मन में सोच गए अब चलते चलते दोनों डाकू गंगा तट पे पहुंच गए। जय सिंह पहचान गया ये ही बिना प्यारी से समझ धर्म की कान गया। और जालम सिंह था संग उसके जो ब्याह उसकी बाण गया। पर वो कुदरत खेल खिलावे था वो ईश्वर नू समझाण गया। थे देख करके बिना ने हसी सी उड़ावे थे। बिना भी समझ गई कुछ खेल खिलाना चावे थे। पर होनहार बलवान ईश्वर भगत की लाज बचावे थे। विचार करती है दिन छिप गया श्याम हुई मेरे आए ना भरतार। कित खो गया मन दिखे ना हुई पते चंद बात ने तोल। लक्ष्मी चंद बात ने तोल फिर तू सोच समझ के बोल। क्यों झूठी बात बिगाड़े से ओ बिना डके डकाए ढोल डके से डके रहन देना। बोलिए भगत और भगवान की। बीना के चारों तरफ फिर जाते हैं। सोच रही थी मन ही मन कैसा जन ने सुध ना पाई।
मैं देखूं निंगा पसार आज मन देता नहीं दिखे के नींद न से मैं टूल गया के भूल गया तुराही तेरी याद सतावे क्यों ना आवे मेरी ननद के। एक बहुत पुराना फिल्म का गाना आया था जिसको पाकिस्तान के कलाकार ने गाया, लंबी जुदाई। उसमें एक रागनी सुनिए हरियाणा की, आइए सुनिए। बहुत अच्छे बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों मचावे।
जाना चाह रहे थे, लेकिन मारनिया ते बचावनिया बड़ा हो। देखो ईश्वर की गति होती है। अरनू बोली बिना रोक करके एक बार, भगत और भगवान की जय हो।
दोनों डाकू ने बीना को पकड़ लिया। इधर वो जेल में और वो तट के ऊपर। बेला नु बोले, जीजा जी मेरी बहन कहाँ है? तो बोले तेरी बहन तट के ऊपर है। रोने लग जाती है वो बेला। और किसके भाग में के लिख रखा? और ना जीजा जी बेरा करना चावे था पिता मेरा। राज घरा में शादी करना चावे था पिता मेरा। ओ चावे था पिता मेरा रे, चावे था पिता मेरा। राज इसी गार में दसगी जितने दिन बाप के घर में यो पेला प्यारी हसगी। चले जोर बुरजोर जबर मन काली नागण डसगी। और मेरी बाण तो तेरे साथ और मैं गुंडा में फसगी। सबने जलना पड़ता या इसी कुटुंब की आग रहे। बेटे पोते और मात पिता ये झूठी जग की लाग रहे। घर रहे आबाद
सदा जहाँ पतिव्रता का सुहाग रहे मेरी बिना बाण सही कहती सब अपने अपने धर्म निभाऊंगी इन हालात के बाद पति से किस तरह नजर मिलाऊंगी हालात के बाद पति से किस तरह नजर मिलाऊंगी अब मेरी जिंदगी कुछ ना रहरी बड़ी कैद में सड़ जाऊंगी पर मत घबरावे मेरे जीजा जी मैं तेरी जान बचाऊंगी जो नहीं धर्म गुणगान
भगत और भगवान की जय हो।